हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल। गाइज यार, आज हम गेम प्ले करने वाले हैं द लास्ट ऑफ अस पार्ट वन का Lenovo Legion 5 पर, और जो स्पेसिफिकेशन है वो है Ryzen 5 4600H GTX 1650 with 16GB ऑफ रैम। इस गेम को हम बेस्ट पॉसिबल सेटिंग्स पर खेलने वाले हैं, साथ ही यहाँ पर अप स्केलिंग मेथड FSR3 का यहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये गेम काफी ज्यादा हाई पावर है और बहुत ज्यादा यहाँ पर रैम कंजप्शन करता है। तो चैनल पर प्ले हो, चैनल को दूसरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गेम यहाँ पर चल रहा है, सबसे पहले चलते हैं इसके ग्राफिक सेटिंग्स में। तो डिस्प्ले में चलते हैं, तो यहाँ पर हम इस गेम को खेलेंगे 1920x1080p रेजोल्यूशन पर। वीसिंग यहाँ पर ऑफ रहेगा और फ्रेम जनरेशन में हमने AMD FSR3 सुपर रेजोल्यूशन का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, जो कि यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन में यहाँ पर मिल जाता है। और बाकी यहाँ पर जो है कुछ नहीं है देखने को मिलता है। बाकी ग्राफिक्स में चलते हैं, तो इस समय ऑटो है, मतलब लो ग्राफिक्स पर ही यहाँ पर सेट कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफिक्स यहाँ पर आप देख सकते हो 4GB को भी यहाँ पर पार करके चला गया है। जो हमें डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी है वो अराउंड 3937 MB है, और जो यहाँ पर दिखा रहा है वो 4776 GB के आसपास दिखा रहा है। तो ज़्यादा हो रही, तो इससे कम यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है, तो लो पर ही हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो फटाफट से चलते हैं द लास्ट ऑफ अस, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, और वार्निंग वगैरह यहाँ पर दिखा रहा है, हम इसे ओके कर देते हैं। यहाँ पर न्यू गेम यहाँ पर रन करेंगे, और यहाँ पर वेरी लाइट लाइट और तो हम मीडियम में यहाँ पर जो है वो करेंगे बैलेंस एक्सपीरियंस के लिए। बाकी यहाँ पर जो है वो कुछ ऑप्शन हैं, हम यहाँ पर जो है वो क्लिक कर देते हैं, और बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम जैसे ही डिफॉल्ट सेटिंग है उसी पर हम स्टार्ट करेंगे। तो बाकी यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं, और बाकी फैन की नॉइज़ आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई डिमांडिंग गेम है ये। PS3 पर लॉन्च हुआ था 2013 के आसपास, और तब से ये अब गेम जो है वो अराउंड लॉन्च हुआ था PC पर, और इसके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो रैम कंजप्शन इसमें बढ़ा दिया गया PC पर, जो कि यहाँ पर अगर 8GB रैम खेल रहे हो तो बिल्कुल भी आप इस गेम को यहाँ पर जो है वो रन नहीं कर पाओगे, आपको काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो कम से कम 16GB रैम आपकी होनी ही चाहिए। मैं देखता हूँ यहाँ पर कहीं अगर स्किप कट सीन होता है तो मैं आपको डायरेक्ट गेम प्ले पर ले जाने की कोशिश करूँगा। तो फाइनली अब गेम प्ले यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कट सीन थी, और अभी आप देख सकते हो 60 के आसपास यहाँ पर FPS आपको देखने को मिल रहे हैं।
तो फाइनली अभी तक गेम आप देख सकते हो अभी थोड़ा अंधेरा चल रहा है, तो 60-70 के आसपास चल रहा है। अभी डे लाइट सीन आएगा तो वहाँ पर आपको जो है वो FPS यहाँ पर रियल में पता चलेगा। बाकी यहाँ तो है नहीं, आगे चलते हैं। और अभी तक अगर आप सभी गेम प्ले देख रहे हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अब गेम प्ले यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है वो जो है इंटरेस्टिंग हो रहा है और FPS भी उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो कम होते जा रहे हैं। अराउंड अब 38 के आसपास आ चुके हैं और इस गेम के हिसाब से मैं कहूँगा जब ये रिलीज़ हुआ था उस टाइम तो 2013 था, उस टाइम से अगर इस FPS को मैं अभी जो है वो जज करूँ तो काफ़ी कम मिल रहे हैं मेरे ख्याल से, अगर 2013 के गेम के ऊपर बात करें। अब पता नहीं PlayStation ने किस तरीके से इस पर काम किया है और ये इस तरीके से क्यों आ रहा है ये किसी को नहीं पता। बाकी FSR 3 का सपोर्ट था तो वो मैंने आपको करके दिखा दिया है, उससे कुछ बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूवमेंट तो नहीं हुआ है फ्रेम जनरेशन से, बाकी थोड़ा बहुत जो है वो 2-3 FPS का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यार फिर यहीं तक गेम प्ले को रखते हैं, द लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 का गेम प्ले था वो भी मैंने आज कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई गेम प्ले की रिक्वेस्ट हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो जो है वो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।